आप देख रहे हैं किरण देवास की न्यूज। कल आप सब लोग साथी, बहुत सारे साथी वहां थे। हमने बिल्कुल सहज गेट के इसे अंदर होते हुए बिल्कुल सावधानी पूर्वक, बिल्कुल हमारी जो रणनीति रहती है कि हम हमेशा जिस भाव से कावड़ यात्रा निकालते हैं, उसी भाव से शांत वातावरण के साथ हम शहर में होते हुए नगर निगम पहुंचे। किसी प्रकार की तोड़फोड़ हुई क्या? आप लोग थे वहां पर, किसी प्रकार की हुज्जत हुई क्या? किसी प्रकार से शासकीय कार्य में बाधा डली क्या? लेकिन नहीं, उनको लगा ये अगर खाली रहेगा तो यात्रा जो इनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो चार पांच धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज करा दी। ये कहां का न्याय? ये सनातन धर्म कहते हैं क्या? ये सनातन धर्म के लोग हो सकते हैं क्या? अरे इनको तो इस जगह बाहर निकलना था, मंच लगाकर उस यात्रा का स्वागत करना था, और जितने लोग इसमें आ सके उन्हें अपील करना थी। और मैं अपने भाव आज बताना चाहता हूं आपसे। अभी यात्रा 20 तारीख की है, मैं स्वयं निमंत्रण देने जाने का मेरा विचार था कि हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है कि इसमें कांग्रेस ही आए या भाजपा आए या कौन आए, या तो इसमें वोटिंग की बात। ये तो बात हो गई, बहुत सारी भावनात्मक बात है, क्योंकि बड़ा बड़ा दुख हुआ। इतने अच्छे मन से और इतने अच्छे वातावरण को के तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, इसमें बीच में इन लोगों ने बिल्कुल व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। वोटिंग 6 महीने तक आपके हमारे सामने झूठा प्रचार, 1 रुपए के काम को 1 लाख का बताना, 19 अरब रुपए के काम देवास शुरू होते से ही तो देवास खत्म होने तक सरकारी फ्लैक्सों पर, सरकारी पोलों पर बड़े बड़े होर्डिंग, 19 अरब रुपए के काम गिना दिए, देवास को स्वच्छ बता दिया, जब प्रशासन की नजर होर्डिंगों पे नहीं गई, जब पोल टूटने लगे। ये तो अच्छा है, माँ चामुंडा की कृपा से दुर्घटना नहीं घटी, किसी की जान नहीं गई, जब स्वच्छता की तरफ नहीं गए। आज अभी 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए ये सहयोग आया, आप वोटिंग बताने लग गए। और ये घटना मेरे साथ पहली बार नहीं हुई। जब मैराथन दौड़ थी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जब हमने होर्डिंग लगाए, वो होर्डिंग भी इन्होंने उतराए। उस समय में भी लड़ झगड़ कर हमने निवेदन किया। मैंने कहा भाई साहब आप ये हमारी 3 दिन 4 दिन इनको कैसे इस यात्रा का तो विघ्न उत्पन्न किया जाए। तो यात्रा के लिए भगवान महादेव जी के फोटो लगे होर्डिंग, सूचना देने के लिए लगे होर्डिंग, नगर निगम प्रशासन को बोल के तुरंत उतरा लिए गए। और सोचने वाली बात, जिस दिन होर्डिंग उतारे उस दिन दूसरे फ्लेक्स भी लगे थे वहां पर, उन फ्लेक्सों को हाथ नहीं लगाया गया, ना किसी दूसरे रोड पे फ्लेक्स निकालने गए। जहां दिखा सिद्धिविनायक भक्त मंडल, जहां दिखे महादेव के फोटो, जहां दिखे पंडित मिश्रा जी के फोटो, वो सारे फोटो निकालकर, सारे होर्डिंग्स निकालकर नगर निगम ने अपने पास रखे। सनातन धर्म की बात करते हैं, केदार खो में कोई पंडित महात्मा ने वहां पर कथाएं चालू कराई थी, जो एक अच्छा क्षेत्र वहां पर नागदा के अंदर, उस महात्मा को रातम रात मार के भगा दिया गया इन लोगों के द्वारा। आज ये प्रसंग आया तो सारी बातें खुलना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। वही नागदा में बरसती ठंड में नवजात शिशुओं के सिर से टापरियां हटा दी, छत हटा दी, आप सब लोग, हम सब लोगों ने देखा। तो देवास में राजनीति का स्तर कितना गिर गया है, बहुत सारी बातें हैं, लोगों के पैर में आने के लायक कर दी उनको, लोग पैर रख रहे हैं उनके ऊपर। क्या ये सनातन धर्म में होना चाहिए? ये सनातन धर्म के विरोधी कौन है? ये किसके कहने पर ही है? जब विवाद पड़ा तो कल और आज सुबह में होर्डिंग दूसरे लोगों के होर्डिंग उतारना उन लोगों ने चालू किया। हमारा इस बात का विरोध है कि विधायक जी की राजनीतिक स्तर में कितना नीचे तक जाएंगे, ये लोग इतना नीचे तक का सोचने लगेंगे, हमने कभी ऐसी अपेक्षा नहीं की। हमने तो जो कावड़ यात्रा, हर कावड़ यात्रा में निमंत्रण तक दिया वहां विधायक को, और सम्मानीय विधायक को हमेशा बुलाया हमने, कावड़ यात्रा बुलाया, वो मेरी बात उनके तक जाएगी, उनको ध्यान में आएगी इस बात को। हमने कभी मिश्रा जी से मेरी खुद की 4 बार मुलाकात हुई,
पंडित मिश्रा जी आने के लिए भी तैयार थे और सब कुछ है। डर इस बात का है कि एक कथा हो, कथा अगर हो और कथा में पांडाल कितना बड़ा भी हो और वो भर जाए और मंच से अगर महाराज साहब के दर्शन हो जाए तो सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारी सगड़ी गलियां हैं, हम अगर उनको यहाँ पे निकालेंगे और उस हेतु मैं तो एक बात बता दूं, मैं राजनीतिक बात में मैं धार्मिक ज्यादा हूँ। अगर इन गलियों में कहीं भगदड़ मच गई और भगदड़ अभी आप देख ही रहे हो FIR हो रही है, अब इनके ही लोग कोई आके अंदर किसी ने आके भगदड़ मचवा दी कि वहाँ ऐसा है, वहाँ रुद्राक्ष मिल रहे हैं या वहाँ, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैंने तो हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर ली कि भगवान गजानन की आपके आशीर्वाद से और पंडित मिश्रा जी के आशीर्वाद से देवास की जनता को कथा के माध्यम से उनके दर्शन कराने का संकल्प लेके आया। आह्वान किया है, क्या लगता है देवास शहर की जनता आपका सपोर्ट करेगी? निवेदन किया है और देवास की जनता मेरा समर्थन करेगी। निवेदन किया है, क्या क्या कारण? कांवड़ यात्रा के ऊपर जिस प्रकार से उत्पन्न कर रहे हैं विघ्न, ये तो जनता से समर्थन मांगने के लिए 4 घंटे के लिए देवास बंद का। अच्छा, आपने सीधा सीधा विधायक के ऊपर आरोप लगाया? सीधा विधायक के ऊपर आरोप, तो लेकिन नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के चलते हमें आज ही आना था और खाली सिद्धिविनायक भक्त मंडल के बैनरों को ही आना था, दूसरे बैनर लगे उनको नहीं आना था, भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा निकल रही उनके लिए नहीं आना था, देवास में इनके 6 महीने तक बैनर लगे जिनके लिए नहीं आना था। स्वच्छता की बात करते हो, हम दिखाते देवास सर स्वच्छ देवास बंद का हवन कब से रहेगा, कब करेंगे आप? सोमवार के दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे।